हेलो गुड मॉर्निंग डियर वन हाउ आर यू होपिंग दैट यू आर फाइन वी आर स्टडिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वी हैव डिस्कसड स्ट्रक्चर ऑफ एटम आई एम गोइंग टू डिस्कस यू स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड टूडेज टॉपिक इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दिस इज नॉट दिस इज नॉट न्यू फॉर यू ये नया नहीं है आपके लिए आइए समझते हैं फिर भी एटॉमिक नंबर इन थर्टीन एच जी जे मोजले डिवाइज एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम तो 1913 में मोजले साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया उस एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने पाया कि न्यूक्लियस में एक पार्टिकल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम क्या कह देते हैं प्रोटोन कहते हैं अब डेफिनेशन समझिए द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज द एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट किसी एलिमेंट के एटम में जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है ये आपको पता है किसी एलिमेंट के एटम में जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है वही उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है मतलब एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा क्यों क्योंकि प्रोटॉन में ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो जितने प्रोटॉन होंगे वही क्या होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा सिंस पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटोन एंड इस प्रोटोन कैरीज वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन में कितना होता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है दियर फोर एटोमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटोन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम किसी एटम के में जितने प्रोटोन की संख्या होगी वही उसका एटोमिक नंबर होगा एटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन इन इट्स न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम और नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियर के बाहर जो न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है क्या मतलब समझ में आ रहा है मतलब समझ में ये आ रहा है कि जितने संख्या प्रोटॉन की होती है न्यूक्लियस के अंदर ठीक उतनी ही संख्या इलेक्ट्रॉन की भी होती है किसमें न्यूट्रल एटम में न्यूट्रल एटम में, में तभी तो रिलेशन बना एटॉमिक नंबर को हम जेड से कैपिटल जेड से दिखाते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटोन इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ये बात समझ में आनी चाहिए आपके कि जितने न्यूक्लियस में प्रोटोन होंगे आउटर न्यूक्लियर स्पेस में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि ये इक्वल होते हैं न्यू न्यूट्रल एटम के हाँ आयन के नहीं न्यूट्रल एटम के अब मास क्या टोटल नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर ऑफ एन एटम किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं प्लस कर देंगे न्यूट्रॉन को वो उसका मास नंबर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर मास नंबर को हम कैपिटल ए से दिखाते हैं मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियन्स अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में एक शब्द दिया गया है जिसको हम न्यूक्लियंस कहते हैं ठीक हो गया समझ में आ रहा होगा बहुत कठिन नहीं है समझ गए होंगे शायद अब हम समझ रहे हैं अगला टॉपिक आइसोटोप एंड आइसो बार नाइन्थ में आपको पढ़ाया था हमने आइसोटोप आइसो बार क्या होता है वही चीज़ है एक बार रिव्यू कर ले ऑल द एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियाई हाउर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में भी डिफरेंट किसी एक एलिमेंट के सारे के सारे एटम में प्रोटोनों की संख्या इक्वल होती है न्यूक्लियस में एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सब एटमों में प्रोटोनों की संख्या क्या होगी सेम होगी लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है सच एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ऐसे एटम का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मास नंबर अलग होता है एंड आर नोन एज आइसोटोप उनको हम क्या कह देते हैं आइसोटोप कह देते हैं एटॉमिक नंबर सेम

एक ही है वन है आवर देयर मास नंबर इज प्रोटियम का वन ड्यूटेरियम का टू और ट्राइटियम का थ्री होता है द आइसोटोप ऑफ द अदर एलिमेंट डो नॉट हैव स्पेशल नेम नेम यहाँ पर आप ध्यान दें केवल हाइड्रोजन के आइसोटोप का नाम अलग नाम दिया गया है जैसे प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम अन्य एलिमेंट की जो आइसोटोप हैं केमिस्ट्री में उनका नाम स्पेशल नाम नहीं दिया गया है दे आर इंडिकेटेड बाय द मास नंबर वैल्यू एंड ऑन द सिंबल। सिंबल के ऊपर मास नंबर वैल्यू दी जाती है या जैसे ये एक सपोज करो एक एक्स करके दिखाया गया है ये कोई एलिमेंट है एक्स ये इसका एटॉमिक नंबर है नीचे लोअर सबक्रिप्ट में एटॉमिक नंबर लिखते हैं मैंने बताया जेड से दिखाते हैं इसको एटॉमिक नंबर और अपर सबक्रिप्ट में मास नंबर लिखा जाता है मास नंबर को हम क्या किससे दिखाते हैं ए से कैपिटल ए से दिखाते हैं ये सिंबल ऑफ एलिमेंट किसी एलिमेंट का अब ये आपको पता ही है जैसे प्रोटियम हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप हैं इनके तो स्पेशल नाम दिए गए हैं वन एच वन पढ़ेंगे कैसे वन एच वन या वन एच टू वन एच थ्री इसमें इसके एटॉमिक नंबर और मास इक्वल हैं वन ईच इसमें एटॉमिक नंबर वन है एटॉमिक मास टू है इसमें एटॉमिक नंबर वन है एटॉमिक मास थ्री है ये तीनों हाइड्रोजन के क्या हैं आइसोटोप है प्रोटियम ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम सिमिलरली द थ्री आइसोटोप ऑफ कार्बन आर रिप्रेजेंटेड एज जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अन्य एलिमेंट के आइसोटोप का पर्टिकुलर या स्पेशल नाम नहीं दिए गए हैं अब केवल हाइड्रोजन का ही दिया गया है अब जैसे कार्बन के तीन आइसोटोप हैं सी सिक्स सी ट्वेल्व सिक्स सी थर्टीन सिक्स सी फोर्टीन तीन आइसोटोप हैं इट मे बी मैंसनड हियर दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम मास नंबर यहाँ पर ध्यान दें कहता है अलग अलग एलिमेंट के एटम का मास नंबर क्या होता है सेम हो सकता है मे कह रहा है मे माने सेम हो सकता है द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। उनको हम क्या कहते हैं आइसोबार कहते हैं जिनका मास नंबर मास जो है इक्वल होता है उसको हम आइसोबार कहते हैं जैसे एग्जाम्पल सिक्स सी फोर्टीन एंड सेवन एन फोर्टीन दीज आर द आइसोबार। ये आइसोबार है आप देख रहे हैं इनमें दोनों में अलग अलग एलिमेंट हैं ये एक कार्बन है दूसरा नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर इसका अलग अलग है देखो कार्बन का सिक्स है नाइट्रोजन का सेवन है लेकिन ये क्या है आइसोबार है आइसोबार क्यों है दोनों का एटॉमिक मास इक्वल है फोर्टीन ईच दैट्स वाई दीज आर आइसो बार अब सम टाइम थोड़ा और समझेंगे बात को समटाइम ऐटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अलग अलग एलिमेंट के ऐटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है सेम हो सॉरी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है सेम होती है सच ऐटम्स आर नोन एज आइसोटोन्स उनको हम क्या कह देते हैं आइसोटोन्स किन जिनमें न्यूट्रॉन सेम हो अलग अलग एलिमेंट के एटम में न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो तो आइसोटोन कह देते हैं आइसोटोन में भी डिफाइंड एज एन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ये जो है आइसोटोन जो है अलग अलग एलिमेंट के क्या होते हैं एटम होते हैं कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है सेम होती है जैसे एग्जाम्पल सिक्स सी थर्टीन सेवन एंड फोर्टीन इनमें न्यूट्रॉनों को देखोगे तो दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी इक्वल होगी ठीक है फॉर आइसोटोन द डिफरेंस ऑफ मास नंबर एंड एटोमिक नंबर इज द सेम अब हम थोड़ा आगे जानते हैं इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल कह लो या फिर थोड़ा सा कैलकुलेसन कह लो वो कर ले रहे हैं जैसे कैलकुलेशन ऑफ द नंबर

नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर कितना है थर्टीन ठीक हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएगा थर्टीन मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आप क्या करोगे मास नंबर को ट्वेंटी सेवन में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या एटॉमिक नंबर को घटा दोगे मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा फोर्टीन ठीक है इन केस ऑफ आयन अब ये तो आपने न्यूट्रल एटम की बातें देखी अब आयन की बातें क्या है इन केस ऑफ आयन द नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन रिमेन सेम प्रोटोन और न्यूट्रॉन तो सेम रहते हैं आयन के केस में एज एन एटम है ना सेम एज एन एटम एटम की तरह हाउ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है बदल जाती है दिस इज ड्यू टू रीजन दैट एन आयन इज फॉर्म्ड आइदर बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम ऐसा इसलिए होता है कि आयन कब बनते हैं आयन तब बनते हैं जब कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इलेक्ट्रॉन खो खोता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब आयन बन बनता है वो तो आयन में जो निश्चित बात है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी डिफर कर जाएगी तो जैसे मैग्नीशियम आयन है इज़ फाउंड बाय रिमूवल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम एटम मैग्नीशियम एटम में से दो इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर दोगे तो मैग्नीशियम आयन बन जाएगा दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं तो टू यूनिट क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एम जी टू प्लस लिख देंगे इसको है ना वही रिएक्शन दे रखे एम जी टू इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए हैं एम जी आइटम में से तो एम जी आयन बन गया मैग्नीशियम आयन देयरपोर मैग्नीशियम आयन हैज़ टू इलेक्ट्रॉन लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम एटम मैग्नीशियम एटम से दो कम होंगे इलेक्ट्रॉन इसमें नोइंग दैट द एटोमिक नंबर ऑफ एंड मास नंबर ऑफ मैग्नीशियम आर ट्वेल्व एंड फोर्टीन एटोमिक नंबर मैग्नीशियम का बारह होता है और मास नंबर कितना होता है ट्वेंटी फोर होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन इन मैग्नीशियम आयन कैन बी कैलकुलेटेड नंबर ऑफ प्रोटोन निकालने के लिए एटोमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है एटॉमिक नंबर कितना है ट्वेल्व दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं अब इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयन बन चुका है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना था ट्वेल्व ट्वेल्व में से टू माइनस कर दोगे क्यों क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन खो दिए हैं तो टू इलेक्ट्रॉन हटा दोगे इसमें से घटा दोगे सब कर दोगे तो कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन टेन आएंगे मैग्नीशियम आयन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टेन होंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर माइनस कर दोगे ट्वेल्व आ जाएगा सिमिलरली नेगेटिव आयन इज़ फाउंड इन एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू न्यूट्रल एटम नेगेटिव आयन कब बनता है नेगेटिव आयन तब बनता है जब किसी न्यूट्रल एटम पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो तो ऐड करने पर उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा नेगेटिव है ना फॉर एग्जाम्पल फॉस्फाइड आयन पी थ्री माइनस फॉस्फाइड आयन इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस एटम में तीन इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिए तो फॉस्फाइड आयन बन गया है ना अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी तीन प्लस इलेक्ट्रॉन कर लोगे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉस्फोरस में पंद्रह होते हैं पंद्रह प्रोटॉन होते हैं तो प्रोटॉन पंद्रह हैं तो पंद्रह ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे अब लेकिन ड आयन बन चुका है तो तीन इलेक्ट्रॉन ये क्या कर चुका है ऐड कर चुका है इसीलिए नेगेटिव चार्ज आया ऐड करने पर नेगेटिव चार्ज आता है तीन इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो फिफ्टीन प्लस थ्री थ्री इलेक्ट्रॉन एटीन हो जाएगा है ना अब यही क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन दिया है इसने यहाँ पर अब पढ़िए इसको आगे मैं दिखा दूँगा उसका नंबर ऑफ प्रोटोन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर दैट इज फिफ्टीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर प्लस थ्री एटोमिक नंबर में तीन ऐड कर दोगे क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया था इसलिए उसमें थ्री यूनिट क्या आया था नेगेटिव चार्ज आया था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस एटोमिक नंबर दैट इज सिक्सटीन अब ये कुछ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप करना घर में और करके मुझे भेजना सिंपल है थोड़ा कठिन होता तो मैं करके दे देता समझा देता लेकिन सिंपल है इन क्वेश्चनों को जरूर करना नोटबुक में लिख लो फोटो ले लो लिख लो उनको करके भेजना मुझे थैंक यू